लखनऊ दौन में पुलिस ने अंधी हत्या का खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर आरोपियों ने युवक की हत्या की थी। लखनऊ दौन के भिलमा निवासी देवलाल पटेल की दो युवक ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि देवलाल पटेल का आरोपियों से 7 लाख रुपए का लेन देन हुआ था, जिसका ब्याज लगभग 12 लाख रुपए हो गया था। आरोपियों ने पहले पैसे देने के बहाने देवलाल को बुलाया और फिर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने हथियार कुएं में फेंक दिया और मृतक का मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए। आरोपियों में दिनेश राजपूत और प्रदीप राजपूत को पुलिस ने जेल भेज दिया है। मृतक ने दिनेश और दीनू को 7.5 लाख रुपए दिया था, जिसका ब्याज सहित 12 लाख रुपए हिसाब बनाया था। इसी बात को लेकर, इसी रंजिश को लेकर जो है आरोपी दिनेश और दीनू एवं उसका रिश्तेदार प्रदीप के द्वारा देवलाल की हत्या की गई है। प्रकरण में हत्या में प्रयुक्त सभी हथियार एवं अन्य वस्तुएं भी आरोपियों से बरामद कर ली गई है। ये जो मुख्य आरोपी है दिनेश राजपूत, ये इससे काफ़ी ब्याज कर्ज के कारण काफ़ी विचलित था, काफ़ी परेशान था और काफ़ी समय पूर्व से ही इसने ये योजना बनाई थी कि इसकी हत्या करना है, और इसके लिए इसने उपयोग किया अपने साले जो इसका ड्राइवर भी है प्रदीप राजपूत के साथ मिलकर धारदार हथियार से इसकी हत्या करना कबूल किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।